दोस्तों, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में वेलकम करता हूं सबको। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में दो सॉफ्टवेयर के बारे में मालूमात दूंगा। पहली तो ये है कि आपने ब्लू स्टॉक सॉफ्टवेयर है, इसको कैसे डाउनलोड करना और कैसे इंस्टॉल करना और इसके क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो इसका यह है कि आप अपने कंप्यूटर में मोबाइल का मुकम्मल सेटअप कर सकते हैं, यानी कि जितने आपके एंड्रॉयड मोबाइल हैं उसी तरह का सेटअप आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। और दूसरा सॉफ्टवेयर ये मैं नीचे है रिकॉर्डिंग का, जो जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसके बारे में है। ये मैंने इसीलिए इसको डेस्कटॉप पे फ्रंट पे किया हुआ है ताकि आपको बता सकूँ। इस पट्टी से आप ये देखो, मैंने ब्लूस्टॉक का नाम बाहर किया। ये सॉफ्टवेयर आपने इसको जो है ना वो डाउनलोड करना है और इसको टाइम ज़्यादा लगता है इंस्टॉलेशन में, तो इसलिए। तो दूसरे नंबर पर आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल को ऑन कर लेना है, क्योंकि जैसे आप बेल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई और वीडियो अपलोड की है, तो आपको मज़ीद वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये देखें, ये नोटिफिकेशन आ चुका है और इस तरीके से आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप ओपन करेंगे तो मेरी वीडियो ओपन हो जाएगी। और मैंने इसके अलावा काफ़ी मज़ीद वीडियो जो है ना अपलोड की हुई हैं, तो आप उनका भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये मैंने व्हाट्सअप की वीडियो दिए हैं कि आपने अपने कंप्यूटर पर कैसे व्हाट्सएप और मोबाइल को कैसे कंप्यूटर बना सकते हैं, इंटरनेट के डाउनलोड मैनेजर के बारे में इसमें मालूमात दी है मैंने, ठीक है। और इसके अलावा मज़ीद वीडियो मैंने और अपलोड की पावर डायरेक्टर के बारे में, यूलिट के बारे में, ठीक है, और अडोब फोटोशॉप के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल की दी है। और ये वीडियो दी है मैंने कि आप फेसबुक को कैसे जो है ना बगैर किसी सॉफ्टवेयर के डाउनलोड कर सकते हो, वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप मेरे चैनल का विज़िट करें और देखें, आपको इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी मालूमात मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद जो है ना वो इसमें से वीडियो मिल सके। ये मेरा चैनल है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, तो इसका एक और तरीका भी, आप इसको कैसे जो है ना वो निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता तो। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो शो होती है तो आप उसके नीचे ये देखें सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग लिखा होता है, जिसका हर वीडियो के नीचे किसी न किसी का चैनल होता है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक। और आप मुझे चैनल पे जैसे ही पहुंचेंगे तो ये सब्सक्राइब का बटन लगा होगा, ठीक है। मैंने यही सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल से, इस वजह से ये है। तो आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को इंशाल्लाह ताला आपको इसमें काफ़ी मालूमात मिलेगी। और दूसरा तरीकाकार ये है, आपके वीडियो के आखिर में सब्सक्राइब का जो है ना वो ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है, जैसे ही आप माउस यहाँ पर करेंगे तो आपको मेरे यहाँ पे सब्सक्राइब का जो है ना वो ऑप्शन नज़र आ जाएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वीडियो दी है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, इसमें इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कोर्स करवा रहा हूँ। तो जब तक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है, तो उस वक्त तक मैं एक मरतबा इसे स्टॉप कर देता हूँ। तो जैसे ये अब दूसरी पट्टी आ चुकी है, ठीक है ना। पहले इसी तरीके से दूसरी टिप अब ओपन हो चुकी है, इसी तरीके से ये दो तीन टिपें ओपन होती हैं। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएंगी तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में, ठीक है। ये जो है ना दूसरा इसका आ चुका है हिस्सा, इसके बाद एक और हिस्सा आ जाएगा, ये अब इंस्टॉल हो चुका है। तो बाज़ कंप्यूटरों में, ये आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर का जो है ना वो क्या है, रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, ये उस हिसाब से जो है ना स्पीड इसकी जल्दी जो होने की होती है या कम होती है, आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। ये मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो इसी वजह से इसे टाइम लग रहा है। और ये मैं तजर्बा कर चुका हूँ कि जैसा सिस्टम होगा वह उतनी स्पीड से ये डाउनलोड होगा। ये फर्स्ट टाइम टाइम लेता है, उसके बाद आप जैसे क्लिक करेंगे जिस तरह मोबाइल पे करते हैं आप, तो ये वैसे ही मोबाइल की तरह ओपन हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर में आप व्हाट्सएप, वीबर, ईमो, यानी कि जितने भी आप एंड्रॉयड मोबाइल के ऐप्स हैं मोबाइल में यूज़ करते हैं, वो बगैर मोबाइल के इसमें इस सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कनेक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये उसके बाद तीसरा पेज ये आता है, मैं फिर वीडियो को स्टॉप करूँगा ताकि ये जो है ना वो इंस्टॉलेशन का जो है आपका जो टाइम है कीमती वो ज़ाया ना हो और आपको जो है ना जल्द से जल्द ये वीडियो मुकम्मल देख सकें और अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर सकें। तो ये भी तकरीबन थोड़ा सा टाइम लेता है। ये सॉफ्टवेयर है कि जो सेटिंग है
रिकॉर्डिंग की, ये भी मैं साथ में आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप भी अपना कोई चैनल पे काम करना चाहें या कोई आपको आसानी हो सके कि आपने कंप्यूटर पे कैसे जो है ना रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो ये इसके साथ में ऑप्शन है जिसमें आप लिंक वगैरह दे सकते हैं। तो ये अब जो है ना इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है पहले जो हिस्सा, अब इससे आपने इंस्टॉल करना है। ये आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे इसमें, ठीक है। मैं उसे वाजिया कर देता हूँ। ये दो जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक मोबाइल का आप देख रहे हैं, इसमें जैसे मोबाइल में ऐप्स हैं ऐसे ही आप कंप्यूटर की उसने स्क्रीन बनाई हुई है और कंप्यूटर में भी आप वैसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप देखें व्हाट्सअप, ईमो वगैरह, इसमें सभी के जो है ना उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, गेमिंग के तक के ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपके मोबाइल के साथ कनेक्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से आप अपने मोबाइल यूज़ करते हैं। दोस्तों परेशान होने वाली बात नहीं है, ये जो है ना पहली दफ़ा इतना टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको इसका मुकम्मल तरीके से पता चल जाए ताकि आप परेशान ना हो कि ये क्या चीज़ है, अभी इंस्टॉल ही होता रह रहा है, पता नहीं अपलोडिंग हो रहा है। नहीं, ये बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपने फिनिश कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। तो इस यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे क्लिक हो जाएगा तो इसके बाद इसकी सेटिंग आएगी, जैसे आपकी फर्स्ट टाइम मोबाइल पे सेटिंग आती है, ठीक है। ये देखें, ये ऑप्शन आ चुका है गूगल विथ जीमेल, यानी कि ये वो कह रहा है कि मुझे अपने जीमेल के साथ कनेक्ट करें। आपने इसे अपने जीमेल के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही आप जीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो मैं इसे अब ये वाजिया निशान करता हूँ, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे ये एक नया टैब आ जाएगी तो ओपन हो जाए। यहाँ पे आपने देना है अपना जीमेल एड्रेस, ठीक है। तो मैं अपना जीमेल एड्रेस यहाँ पे देता हूँ, नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा अपना, तो आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करना है। नेक्स्ट करना है। ओ शिट, गलती हो गई मेरे, दोबारा देता हूँ मैं अभी। ये जीमेल मेरी ऐसे है, मुझे पासवर्ड इसका जो है ना अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको तो सिखा, दोबारा इसको जो है ना मैं ओपन करता हूँ। जैसे देंगे पासवर्ड, ये जो है ना आपका नया टैब ओपन हो जाएगा। तो उसमें ये देखो ऊपर एंड्रॉइड लिखा हुआ है और ये सेटिंग थोड़ी सी होगी, ये फर्स्ट टाइम सेटिंग होगी, उसके बाद फौरी ओपन हो जाएगा, ठीक है। डाटा लोडिंग हो रहा है इसमें, जैसे ही डाटा लोडिंग हो जाएगा इसका एक नया पेज आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला जैसे पेज आएगा मैं उसका उसके बारे में आपको बताऊंगा ये कैसे हुआ है। तो उसके बाद ये देखें, ठीक है ना, ये ऐप्स जो हैं अब वो इसके अंदर इंस्टॉल हो रहे हैं। ऐप्स इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद जो इसके जो ज़ाती ऐप्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं, लेकिन जो बकाया आपको पसंद है वो आपने खुद करने हैं। अब जैसे आप मोबाइल में सेटिंग करते हैं इसी तरीके से आप इसमें सेटिंग करनी है, ठीक है। लैंग्वेज ये पड़ी हुई है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना और इंटर कर देना है। तो उसके बाद इसका नया पेज आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये अब न्यू टैब आ चुकी है, यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे फिर वो आपका पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से जीमेल चेंज भी कर सकते हैं अगर आपका दिल हो तो, अगर ना ये वही देनी हो सेम तो वो भी दे सकते हैं। पासवर्ड को मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, उसके बाद फिर आपने ओके करना है। जैसे ओके करेंगे ये तकरीबन कुछ टाइम लेगा, 5 मिनट या 5 सेकंड, ये आपके, मैंने पहले बताया कि आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, लेकिन फिर भी मेरे सिस्टम पर ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ ये, ताकि जितना टाइम लगना है वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू टैब आ जाएगी, आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है और उसके बाद ये कुछ फिर टाइमिंग मांगेगा। तो मैं फिर एक मरतबा वीडियो को स्टॉप कर दूंगा ताकि ये जो है ना आपको आपका टाइम ज़ाया ना हो वीडियो देखने में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओके करना है या नो कर दें, तो ये आप पे डिपेंड करता है।
ये देखें, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं अपना, कि अगर यही रहने दो, मैं तो फिलहाल यही रहने दूंगा।